अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 हम पढ़ चुके हैं। अब नंबर चैप्टर 12 की हम स्टोरी ट्रांसलेशन करते हैं। चलें जी। आई मेक अनदर बिगनिंग, मैंने नया नई शुरुआत की। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था चैप्टर नंबर 11 के अंदर कि डेविड कॉपरफील्ड जो है वो अपनी आंटी मिस बेट्सी के घर आ गया था, क्योंकि वो अब उनके साथ मिस्टर मर्डस्टोन और ग्रीनबी के यहाँ काम नहीं करना चाहता था, तो वह वहाँ से लंदन से डोवर आ गया था। अच्छा, अब ये था कि अब मिस बेट्सी ने जो है वो मिस्टर मर्डस्टोन और उनकी बहन को बुलवा लिया था ताकि ये उसको वापस कर दें, लेकिन उनको लगा कि ये लोग सही लोग नहीं हैं, तो उन्होंने उन दोनों को वापस भेज दिया और डेविड कॉपरफील्ड को मिस बेट्सी ने अपने पास रख लिया। अब आगे सुनिए क्या होता है। अच्छा, इस सबक का नाम है आई मेक अनदर बिगनिंग, मैंने नई शुरुआत की, दूसरी नई शुरुआत की। डोवर मिस बेट्सीज हाउस, डोवर के अंदर मिस बेट्सी के हाउस का जिक्र है इसमें। फिर कैंटरबरी मिस्टर विकेट फील्ड के घर का जिक्र है। मिस्टर डिक एंड आई सून बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मिस बेट्सी के साथ मिस्टर डिक रहते थे और मिस्टर डिक और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए जल्द ही। वेरी ऑफ्टन व्हेन हिज वर्क वॉज डन वी वेंट आउट टुगेदर टू फ्लाई हिज काइट। अक्सर वो बेशतर जब उनका काम जल्दी ख़त्म हो जाता था तो वो क्या करते थे, हम दोनों बाहर चले जाते थे और पतंग उड़ाते थे। माई आंट वॉज काइंड टू मी टू, मेरी आंटी जो है वो मेरे साथ बहुत मेहरबान थी। वन इवनिंग शी स्पोक टू मी अबाउट माई एजुकेशन, एक शाम उन्होंने मुझसे मेरी पढ़ाई और तालीम के बारे में बात की। वुड यू लाइक टू गो टू स्कूल इन कैंटरबरी, उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं स्कूल जाना चाहता हूँ कैंटरबरी में, मेरी आंट ने पूछा। आई रिप्लाइड डेट आई वुड लाइक टू एज इट वॉज सो नियर, मैंने जवाब दिया कि मैं ज़रूर जाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत करीब है। गुड सेड माई आंट, बहुत अच्छा मेरी आंटी ने कहा। वुड यू लाइक टू गो टूमोरो, क्या तुम कल जाना चाहते हो। माई आंट हु डिड नॉट केयर वॉट अदर पीपल थिंक, मेरी आंटी जो कि किसी की परवाह नहीं करती थी कि क्या लोग उनके बारे में सोचते हैं, वो एक जो है स्मॉल ओपन कैरेज को खुद चलाती हुई खुद चलाती भी मुझे लेकर चली गई। मैं उनके साथ आई साइड बिसाइड हर, मैं उनके साथ बैठ गया। अच्छा, इज इट अ लार्ज स्कूल, क्या ये बड़ा स्कूल है, मैंने आंटी से पूछा। वाई आई डोंट नो, क्यों मैं नहीं जानती, आंटी ने कहा। वी आर गोइंग टू मिस्टर विक फील्ड फर्स्ट, पहले हम मिस्टर विक फील्ड के पास जा रहे हैं। डज ही कीप अ स्कूल, क्या वो स्कूल रखते हैं, मैंने पूछा। नो शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा नहीं, ही कीप्स एन ऑफिस, उनका एक अपना ऑफिस है। ही इज अ लॉयर, वो वकील है। व्हेन वी स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ मिस्टर विक्स फील्ड हाउस, जब हम दरवाजे पर रुके मिस्टर विक फील्ड के हाउस के, आई सॉ अ फेस अपेयर एट अ स्मॉल विंडो, एक चेहरा जो है वो छोटी सी खिड़की से नमूदार हुआ एंड क्विकली डिसअपेयर, और फौरन ही जो है ना गायब हो गया। द डोर देन ओपन, दरवाज़ा खुल गया एंड द फेस केम आउट, और वही चेहरा बाहर आया। इट बिलोंग टू अ रेड हेयर्ड पर्सन, वो चेहरा किससे ताल्लुक रखता था, एक लाल रंग के बालों वाले आदमी से। आई लर्न लेटर ही वॉज ओनली 15, मुझे बाद में पता चला कि वो सिर्फ 15 साल का है, बट टू मी ही लुक्ड अ लॉट लॉट ओल्डर, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा लग रहा था। ही वॉज वेरी थिन, वो बहुत पतला था। एंड ही वॉज ड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक, और उसने पूरा ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। इज मिस्टर विकेट फील्ड एट होम, उरिया ही, मेरी आंटी ने उरिया ही, वो जो लड़का दरवाजे से दरवाज़ा खोला था जिसने, उससे मेरी आंटी ने पूछा क्या मिस्टर विकेट फील्ड घर पर है। मिस्टर विकेट फील्ड एट होम मैम, उसने कहा, मिस्टर विकेट फील्ड जो है घर पर है, इफ यू ऑल प्लीज टू वॉक इन देयर, अगर आप लोग जाना चाहते हैं अंदर, सेड उरिया ही पॉइंटिंग टू आर रूम, रूम की तरफ उसने इशारा किया। वी वेंट इन एंड वेटेड, हम अंदर दाखिल हो गए और इंतजार करने लगे। सून अ जेंटलमैन एंटर, जल्दी जो है वो आदमी दाखिल हुए, मिस बेट्सी ट्रोटवुड। उन आदमी ने मेरी आंटी को देखकर कहा, अब मिस बेट्सी ट्रोटवुड है, दिस इज माई नेफ्यू, ये मेरा भांजा है। सेड माई आंट, मेरी आंटी ने कहा, आई हैव ब्रॉट हिम हेयर टू पुट हिम इन अ स्कूल, मैं इसको यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि इसको स्कूल में दाखिल करा सकूँ, स्कूल डेट विल टीच हिम वेल एंड ट्रीट हिम वेल, वो स्कूल जो इसको अच्छा पढ़ा सके और अच्छे तरीके से इसकी तरबियत कर सके। आफ्टर अ लिटिल डिस्कशन मिस्टर विकफील्ड एंड माई आंट विजिटेड अ स्कूल, थोड़ी सी देर बातचीत के बाद मिस्टर विकफील्ड और मेरी आंटी ने स्कूल का दौरा किया। एंड देन टू और थ्री हाउसेज वेयर आई कुड रेंट अ रूम, और दो तीन घरों का भी दौरा किया ताकि देख सके कि कहाँ किस घर में ये किराए पर रह सकता है डेविड कॉपरफील्ड। दे वर प्लीज विद द स्कूल, वो लोग बहुत खुश थे स्कूल से, बट दे हैड नॉट फाउंड अ प्लेस फॉर मी टू लिव,
लेकिन उनको किराए का कमरा नहीं मिल सका, कोई घर नहीं मिला मेरे लिए। लीव योर नेफ्यू हेयर फॉर द प्रेजेंट, मिस्टर विकफील्ड ने कहा, एक काम करें कि आप अपने भांजे को अहालिया तौर पर मेरे यहाँ छोड़ दें। माई आंट वॉज एज हैप्पी एज आई वॉज इट दिस आइडिया। जितना मेरी आंटी खुश थी उससे उतना ही मैं खुश था इस ख्याल के बारे में। मिस्टर विकफील्ड शोल्ड अस द हाउस। मिस्टर विकफील्ड ने हमें अपना घर दिखाया। इट हैड अ वंडरफुल ओल्ड स्टेयरकेस। उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो सीढ़ियाँ थी। देयर वॉज अ शेडी लिविंग रूम विद अ पियानो। उनके यहाँ एक जो है हल्की मध्यम लाइट वाला एक लिविंग रूम था जिसके अंदर पियानो था और बुक केसेस थे जिसमें बुक रखी जाती है। अ गर्ल ऑफ अबाउट माई ओन एज केम इन टू द रूम। मेरी ही उम्र की एक लड़की कमरे में दाखिल हुई एंड किस मिस्टर वेकफील्ड, और उसने मिस्टर वेकफील्ड को चूमा। शी हैड अ काम स्वीट एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। उसके उसके चेहरे का ऊपर बहुत इत्मीनान था और बहुत मीठे उसके तजस्स थे उसके चेहरे के ऊपर। दिस वॉज मिस्टर वेकफील्ड डॉटर। वो मिस्टर वेकफील्ड की बेटी थी एग्नेस। वैन एवरी थिंग वॉज अरेंज, जब सब कुछ तैयार हो गया, माई एंड सेंड गुड बाय, मतलब सारी अरेंजमेंट हो गई मेरे रहने की और स्कूल की सारी बातें पूरी हो गई, तो मेरी आंटी ने खुदाफिज़ कहा। डेविड डू वेल इन योर न्यू लाइफ। मुझे उन्होंने उन्होंने कहा, डेविड तुम अपनी ज़िंदगी में अच्छे नई ज़िंदगी में अच्छा करना फॉर योर ओन सेक। तुम अब खुदा के लिए, अपने लिए, फॉर माइंड मेरे लिए और मिस्टर डिक के लिए, एंड हैवन बी विथ यू, और जन्नत तुम्हारे साथ होगी। सेड माई आंट एज शी वॉज लीविंग। जब मेरी आंटी वहाँ से जा रही थी तो उन्होंने ये बातें मुझसे कही। आई कुड ओनली थैंक हर अगेन। मैं सिर्फ उनसे उनका शुक्रिया ही अदा कर सका। नेवर बी मीन इन एनी थिंग, उन्होंने कहा आगे मुखातिब हुई, कि जो है कभी भी जो है ना मीन नहीं होना किसी, मतलब ये कि अपना मतलब निकालने वाला ना बनना। नेवर बी फॉल्स, कुछ गलत नहीं करना। नेवर बी क्लोज, कि कोई जालिम नहीं बनना। अवॉइड दीज थ्री वाइसेस, ये तीनों तरीके मत अपनाना। एंड आई कैन ऑलवेज बी होपफुल ऑफ यू, और मैं हमेशा पर उम्मीद रहूंगी तुम्हारी तरफ से, आंटी के ने कहा। डैट इवनिंग वी सैट इन द लिविंग रूम। उस शाम हम जो है लिविंग रूम में बैठे थे, मिस्टर विकफील्ड, एग्नेस एंड आई, मतलब मिस्टर विकफील्ड जिनके घर पे वो ठहरा था, उनकी बेटी एग्नेस और मैं। एग्नेस प्लेड द पियानो। एग्नेस पियानो बजाने लगी एंड टॉक टू हर फादर एंड मी, और वो मुझसे और अपने अब्बू से बातें कर रही थी। इट वॉज क्लियर डैट मिस्टर विकफील्ड लिक फॉर एग्नेस, और ये बात साफ जाहिर थी कि मिस्टर विकफील्ड जो है वो अपनी बेटी एग्नेस के लिए जी रहे थे। एंड डैट शी रिटर्न हिज लव, कि वो उनको उनकी मोहब्बत, मतलब अपनी मोहब्बत से वो जो मोहब्बत उसको दे रहे हैं वो मोहब्बत वो उनको लटाएगी। तो ये सारी कहानी थी। अब आपको ये बात पता चल गई कि चैप्टर नंबर 12 में मिस बैट्सी ने डेविड कॉपरफील्ड को स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया, उसके रहने का बंदोबस्त कर दिया। किसके पास? मिस्टर विकफील्ड के पास। और मिस्टर विकफील्ड की एक बेटी थी जिसका नाम एग्नेस था, और वो बहुत ही अच्छी थी और प्यारी थी। जी, कहानी को यहीं तक ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी बहुत पसंद आई होगी। एंड बेटर लक कि हम जल्दी चैप्टर नंबर 13 की भी ट्रांसलेशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन थिंग मोर, डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। बाय बाय। Okay, now friends, what you have to do after watching my videos, you should have to subscribe to Engineer Nahid Shahzad YouTube channel and follow me at www.nahidshahzad.blogspot.com. Thank you so much for watching my video. Bye-bye.